तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन? द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर, तो चार वेक्टर दिए हैं। ये वेक्टर ए है, इसकी वैल्यू इतनी है, यहाँ पर वेक्टर बी है, इसकी वैल्यू इतनी है, यहाँ पर सी वेक्टर है, यहाँ पर इसकी वैल्यू भी दी है और डी वेक्टर की वैल्यू दी है। तो हमको पूछा है जो वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी रहेगा ये कैसे है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और इनके बीच में ये कैसे रहेंगे, ये परपेंडिकुलर रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, एंटी पैरेलल रहेंगे या इंक्लाइंड रहेंगे, ये सब हमको पूछा है। तो सबसे पहले बच्चों वेक्टर ए बी डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, तो ये क्या आएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए आएगा। तो वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, 4i कैप माइनस 3i कैप कितनी आएगी, आई कैप, ठीक है, 5j कैप माइनस 4j कैप तो कितनी आएगी, जे कैप, यहाँ पर 6k कैप माइनस 5k कैप तो ये कितनी आएगी, के कैप। यहाँ पर वेक्टर सी डी कितना है, डी माइनस सी, वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी, तो वेक्टर डी कितना है, यहाँ पर 4i कैप, 4i कैप माइनस 7i कैप कितना आएगा, माइनस 3i कैप, यहाँ पर 6j कैप, यहाँ पर उसमें माइनस करेंगे 9j कैप तो ये कितना आएगा, माइनस 3j कैप। अब यहाँ पर जे के कैप की टर्म नहीं है और यहाँ पर माइनस 3k कैप आ जाएगा तो माइनस 3k कैप, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 3 i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर है i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यहाँ पर भी i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, लेकिन ये कैसा है, माइनस 3 टाइम, यानी अगर ये वेक्टर ए यहाँ पर वेक्टर ए बी अगर आपका इधर भाग रहा है तो वेक्टर सी डी अपोजिट डायरेक्शन में 3 टाइम्स भागेगा। ये हो गया, मान लीजिए वेक्टर सी डी अपोजिटली 3 टाइम्स भाग रहा है, ठीक, तो ये दोनों वेक्टर कैसा है, तो ये दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल है। तो इसको आंसर को नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।